फेमिनिस्ट न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर, एक की मौत। देसी कट्टा दिखाकर वाहन चालक लूटा, चंद्रपुर जिले में 438 नए वादे। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। गढ़चिरौली जिले के चौमारशी कृषि उपज बाजार समिति के सभापति एवं जिला परिषद सदस्य अतुल गनैर पवार यह हुए भीषण सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। वहीं उनके करीबी रिश्तेदार आनंद गनैर पवार की मौके पर ही मौत हो गई। कार और ट्रैक्टर के साथ हुई इस भिड़ंत में ट्रैक्टर के सामने के हिस्से के दो टुकड़े हो गए। यह हादसा आरमोही ब्रह्मपुरी मार्ग पर हुआ। गुरुवार की सुबह ब्रह्मपुरी मार्ग पर नागपुर की ओर जाते समय तहसील के रुई गांव के पास रनमोचक फाटे के पास कार ने सामने से आ रहे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की जानकारी देते हुए ब्रह्मपुरी पुलिस ने बताया कि आनंद गनैर पवार की मौके पर ही मौत हो गई। अतुल गनैर पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस निरीक्षक रोशन यादव मामले की जांच कर रहे हैं। अगली खबर, बोलेरो वाहन से तलोदी से नागभीड़ की ओर आने वाले वाहन चालकों को देसी कट्टे का धूस दिखाकर लूटने की घटना नागभीड़ तहसील के चिंदीमाल फाटे पर हुई है। इस मामले से रात के सफर करने वाले वाहन चालकों में दहशत निर्माण हुई है। नागभीड़ निवासी लीलाधर चंद्र ज्योति लांजेवार के साथ घटना हुई है। लांजेवार ने इस संदर्भ में नागभीड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। लीलाधर रात करीब 10 बजे तलोदी से औषधि से भरा हुआ बोलेरो पिकअप नागभीड़ की ओर ले जा रहे थे। उसी दौरान चिंदीमार फाटे के पास मुंह को काला स्कार्फ बंधे हुए 6 व्यक्तियों ने वाहन को रोकने का इशारा किया। लीलाधर को वाहन से नीचे उतारा गया। उसके बाद एक व्यक्ति ने पीछे से लीलाधर के सिर पर लोहे के रॉड से प्रहार किया। दूसरे व्यक्ति ने देसी कट्टे के धोस पर उनसे 10,000 रुपए निकाल लिए। लीलाधर के साथ लात व घूसों से मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, चंद्रपुर जिले में 563 बाधितों ने कोरोना पर मात करने से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 438 नए बाधित पाए गए। गुरुवार को जिले में एक बाधित की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को मिले नए बाधितों में महानगर पालिका क्षेत्र के 166, चंद्रपुर तहसील के 49, बल्लारपुर के 17, भद्रावती 25, ब्रह्मपुरी 23, नागभीड़ 20, सिंधेवाही 4, मूल 14, सावली 15, पोबुरना 3, गोंड पिपरी 26, राजूरा 9, चिमूर 6, वरोरा 47, कोरपना 11 तथा ज्योति तहसील के 2 मरीजों का समावेश था। मृतक में ब्रह्मपुरी के एक पुरुष का समावेश है। जिले में अब तक कुल बाधितों की संख्या 96,321 पर पहुंची है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।